था मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील बामन गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज श्रील साधु महाराज अन्यान्य वैष्णव वैष्णवी सभी को अपने जथाजी को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का विशेष विशेष बहुत अच्छा दिन है। आज हम लोगों ने श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन का उपलक्ष्य में हम सबके सब उपस्थित हुए। श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर ये जो मंदिर है साल में ठाकुर जी एक बार इसी मंदिर में आते हैं और ये सारा साल ये पड़ा रहता है। जगन्नाथ जी कल आने वाले और एक दिन पहले श्री राजा नौकरों को देख करके ये मंदिर साफ सुथरा करवाया करते थे, लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए बोले भगवत मंदिर को नौकरों से साफ नहीं होता है, भावना से साफ होता है, हृदय से साफ करनी चाहिए और भक्ति के द्वारा साफ करनी चाहिए, नौकर से नहीं है। इसलिए श्री राधा रानी की मंदिर किया है बोले समझे कि श्री वृंदावन है और ये राधा रानी के निकुंज मंदिर ये मंदिर है। अभी राधा रानी के निकुंज मंदिर को साफ करने के लिए कहते नौकरों से थोड़ी साफ होता है, साफ तो भक्ति को द्वारा करनी चाहिए, अपना हाथों से करनी चाहिए। इसलिए श्री अम्बरीश महाराज संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के राजा होते हुए भी ठाकुर जी की सेवा नौकर से नहीं करते थे। हमारे पास में पैसा है इसलिए पैसा से एक मंदिर बना दिया और एक नौकर को रख लिया उसको साफ करने के लिए, बोले नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ये भृत्य के सेवक है, ये खरीदी किया हुआ सेवक है, इसको द्वारा साफ नहीं होता है। इसलिए स्वयं अम्बरीश महाराज होते हुए भी कहते सबई मन कृष्ण पदार विंदयो पचासी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरीर मंदिर मार्जनादिशु। अम्बरीश महाराज अपना हाथों से भगवत मंदिर मार्जन करते थे, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र को उन्होंने भेज दिया, इनका राज्य को तुम रक्षा करना। इसलिए महाप्रभु स्वयं देखा ये नौकरों को देख रहे ये निकुंज मंदिर को नौकर से सेवा नहीं भाव से सेवा करनी चाहिए, इसलिए श्री महाप्रभु ने ये सेवा को मांग कर लिए। बोले कौन सा सेवा को मांग कर लिए, बोले झाड़ू लगाने का। अरे हमारे भाषा में क्या कहते हैं, झाड़ूदार मेहतरानी है, सबसे जो निकृष्ट जो सेवा है कहती है झाड़ू लगाने का सेवा कौन करता है, छोटे जाति के लोग ये सेवा करते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो बड़ा सेवा करें, हम छोटा सेवा नहीं करेंगे, हम तो बड़ा सेवा करेंगे। नहीं, भगवत भक्ति जगत में जितने छोटे से छोटे सेवा करेंगे ना भगवान की कृपा और गुरु वैष्णव का कृपा उसको पर भी उतना होता है जितने छोटे सेवा करोगे, बड़े सेवा नहीं छोटे सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय में झाड़ू लगाने का सेवा बड़ा महत्व है। देखो कौन कौन झाड़ू लगाए, भक्ति विनोद ठाकुर अपना परिचय क्या देते हैं, कहते हैं मैं नाम हाट का मैं झाड़ूदार हूँ, नाम हाट का मैं झाड़ू लगाने वाला झाड़ूदार हूँ। और श्री कहते श्यामानंद प्रभु राधा रानी की कृपा उनको मिली कहीं से, बोले वृंदावन में झाड़ू लगाते लगा, जब निधुवन निकुंज वन में श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाया करते थे, फिर राधा रानी के चरण की नुपुर केवल झाड़ू लगाने का सेवा से उनको चरण की नुपुर की प्राप्ति हुई। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में आए और यहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु को दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने कहा राजा विषयी मैं विषयी व्यक्तियों का दर्शन करना नहीं चाहता हूँ, महाप्रभु को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन महाप्रभु प्रसन्न कैसे हुए, जब महाप्रभु जी रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए आए इन्होंने देखा कहाँ राजा, लेकिन क्या काम कर रहे थे, जगन्नाथ जी को मंदिर को सामने राजा स्वयं झाड़ू लेकर के साफ कर गए थे।
जगन्नाथ जी कौन है? कहते एक अचल जगन्नाथ और एक सचल जगन्नाथ है, इसलिए महाप्रभु ही जगन्नाथ है। लेकिन जब उन्होंने देखा अरे मेरे सेवा के लिए, कहते उत्तम हरिया करे अधम सेवन, अतएव तुम ही हो जगन्नाथेर कृपार भाजन। कहा उत्तम राजा, लेकिन इस सेवा क्या कर रहे हैं? बोले झाड़ू लगा रहे हैं। सेवा क्या कर रहे हैं? बोले झाड़ू लगा रहे हैं। महाप्रभु संतुष्ट हो गए, बोले जरूर इसको दर्शन हमें देनी चाहिए, जरूर इसको मैं जरूर दर्शन दूंगा। देखो इसका क्या फल हुआ। जब श्री महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा को सामने सात कीर्तन पार्टी था, दल था, इतने में श्री प्रताप रुद्र महाराज उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा महाप्रभु हर दल में नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले, बोले प्रभु मैं क्या देख रहा हूँ? बोले क्या देख रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ महाप्रभु इसी दल में भी है, महाप्रभु यहाँ भी है, महाप्रभु यहाँ भी है, महाप्रभु सब जगह भी महाप्रभु महाप्रभु है। इतने में से सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा देखो ऊपर से महाप्रभु तुमको दर्शन देने के लिए मना किया, लेकिन हृदय से तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न है, हृदय से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। मुझे तो नहीं दिख रहा है महाप्रभु हर दल में महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है। मतलब है वो ऊपर से दिखाई पड़ता है, जैसे महाप्रभु कृपा नहीं करते लोग से क्या करिए, लेकिन हृदय से तुम्हारे ऊपर में प्रसन्नता महाप्रभु है, हैं? इसलिए फिर कैसे कृपा की। जब श्री जगन्नाथ जी को रात को खेसते खेसते यहाँ पर जगन्नाथ बल्लभ वाटिका आए, वहीं पर महाप्रभु राधा रानी के भाव से विभावित तो होकर के कैसे श्री श्याम सुंदर हमें छोड़ करके द्वारका मथुरा, फिर मथुरा से कृष्ण द्वारका चले गए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब रथ यात्रा का तात्पर्य क्या है, रथ यात्रा का तात्पर्य ये है जब महाप्रभु गत श्री श्याम सुंदर के साथ में जब राधा रानी बड़ी दिनों के बाद में जब कुरुक्षेत्र में मिले, तब श्री राधा रानी कह रहे हैं श्याम सुंदर आप भी वही श्याम सुंदर हो, मैं भी वही राधा हूँ। लेकिन जब हम श्री वृंदावन में जहाँ पर यमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर जूई बेली चमेली बड़ी सुंदर सुंदर जहाँ फूल खिले हुए हैं, जहाँ पर कोयल कूक रहे हैं, जहाँ पर मयूर के का कर रहे हैं, जब हम वो निकुंज मंदिर में जब हम मिलते थे वो जो आनंद होता था, ये आनंद यहाँ पर नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप में कोई ब्रज का चिन्ह है ही नहीं। आप तो यहाँ पर मुकुट धारण किए हुए राज प्रसाद, लेकिन वृंदावन में तो आप बंसरी बजाते हो, मयूर मुकुट धारण करते हो, आपकी वृंदावन के फूल पत्तों से आपकी श्रृंगार है, लेकिन तो यहाँ पर हीरे जवाहरात से जड़े हुए हो। हाँ, अगर आप मेरे ऊपर भी कृपा करना चाहते हो, अगर मुझे आनंद देना चाहते हो, मेरी हृदय रूपी रथ में बैठो और आपको हम वृंदावन ले जाएंगे। ये रथ यात्रा यही है, श्री राधा रानी अपना हृदय रूपी मंदिर में श्री श्याम सुंदर को बैठा करके कहाँ ले जा रहे हैं, उनको सुंदराचल से द्वारका बा उनको कुरुक्षेत्र से उनको श्री वृंदावन ले जा रहे हैं। रथ को खींचने वाले कौन? बोले ये ब्रज गोपियां ही रथ को खींचने वाली हैं। इसलिए महाप्रभु इसी भाव से महाप्रभु ये जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में महाप्रभु यहीं पर उसी भाव में लेट हुए रथ थे। इतने में महा श्री प्रताप रुद्र महाराज क्या करते थे, सारे वैष्णव का सेवा करते थे। इसलिए ये गुंडीचा मंदिर में श्रीमन महाप्रभु जो गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे, जो अच्छे तरह से साफ कर रहे थे, महाप्रभु तो बड़े खुश हो रहे थे, बाहवा दे रहे थे, बढ़िया तुमने साफ किया है, दूसरों को भी सिखा दो। मतलब जो व्यक्ति अपना हृदय रूपी मंदिर को बढ़िया से साफ करते हैं, महाप्रभु कहते भैया तुमने बड़े सुंदर रूप में साफ किया, तुम भी दूसरों को सिखा दो, मतलब तुम भी भगवान की भक्ति की शिक्षा प्रदान करो। बोले देखो महाप्रभु ने कहा एक काम करो, कौन कितना मंदिर साफ किया है पता कैसे चलेगा, कौन कितने बढ़िया से साफ किया पता कैसे चलेगा। बोले धूल को इकट्ठे करो, फिर पता चलेगा कौन कितना साफ किया। जब उन्होंने धूल को इकट्ठा किया ना, जितने सारे भक्त लोग थे सब धूल को इकट्ठा कर दिया, लेकिन महाप्रभु ने जो धूल इकट्ठा किया था सबसे ज्यादा महाप्रभु का धूल हुआ, सबसे ज्यादा महाप्रभु का धूल हुआ। बोले इसका तात्पर्य क्या है,
सारे भक्त एक तरफ में और महाप्रभु एक तरफ में, सबसे ज्यादा इनकी धूल भी इकट्ठा हुआ। बोले कारण ही महाप्रभु से राधा जी की भाव से वो निकुंज मंदिर को साफ कर रहे थे। अभी राधा रानी जैसे साफ कर सकते हैं, ऐसे साफ और भी आप थोड़ी कहीं कर सकते हैं, ऐसे और कोई साफ नहीं कर सकते हैं। और महाप्रभु ने कहा देखो जिसका धूल कम होगा ना उसको हम दंड देंगे। देखो भक्ति जगत में जो दंड है ना वो भी एक तरह का उपहार है, वो भी बढ़िया है। बोले कौन सा दंड? बोले भक्तों को पीठा पाना खिलाना पड़ेगा, भक्तों को पीठा पाना खिलाना पड़ेगा, इनको उत्सव देना पड़ेगा। जिसने कम खर्चा, जिसने सही नहीं किया, बोले मतलब किया इसका तात्पर्य जो किया, बोले तात्पर्य है हम जब ये हृदय को ठीक ठीक से साफ क्यों नहीं कर पाते, कारण है हमारी पूर्व जन्म का सुकृति अभाव है। पूर्व जन्म में हमने सुकृति हमारी ठीक नहीं किया है, इसलिए इसी जीवन में भजन को ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं। फिर भजन कैसे ठीक से होगा, ध्यान देकर सुनो कैसे होगा। महाप्रभु कहते दंड देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले सारे भक्तों को उत्सव दो, पीठा पाना और उत्सव दो। जैसे महाप्रभु ने श्री है महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को चीड़ा दही उत्सव दिए, चीड़ा दही दंड दिया। बोले क्यों? बोले जब भक्तों का सेवा करोगे, इसलिए महाप्रभु ने दो चीज सिखा दिया है, वैष्णव सेवक नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु बोले एक काम करो, क्या? बोले वैष्णव का सेवा करो, क्योंकि वैष्णव का जब सेवा करेंगे, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहाँ निवास करते हैं? बोले वैष्णव का हृदय में। जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव को प्रसाद खिलाएंगे, क्या होगा? ठाकुर जी अपने आप खुश हो गए। और दूसरा क्या काम करना? बोले नाम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु जब मंदिर को साफ कर रहे थे, हाथ हाथ में तो सेवा कर रहे थे, लेकिन मुंह से क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे सेवा करो, मुंह में ठाकुर का नाम करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु हर काम में जैसे पानी लो झाड़ू लो नहीं, लो लो नहीं, हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मतलब श्री जीव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि कलयुग में क्या करनी चाहिए, जितने भक्ति की अंग जाजन करते हो, जब तक उसको साथ में ये हरे कृष्ण नाम को नहीं जोड़ते हो, वो भक्ति अंग सब बेकार है। इसलिए हर भक्ति अंग में भगवान नाम को उसमें जोड़ देनी चाहिए, उसी भक्ति अंग में। इसलिए महाप्रभु जिस समय महाप्रभु जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में महाप्रभु शयन कर रहे आग बंद करके, महाप्रभु का जितने भक्त खुश सुखी हो वैष्णव सेवा करते, राजा सबको प्रसाद खिलाते हैं, उनको अच्छे व्यवस्था करते हैं। महाप्रभु बोले श्री भक्त लोग ने बोले जल्दी जल्दी प्रताप रुद्र, बोले जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आकर के महाप्रभु के चरणों का सेवा करो। क्यों? अभी महाप्रभु शयन कर रहे हैं, महाप्रभु राधा जी के भाव में विवाहित है। बोले क्या करो? बोले गोपी गीत गाओ, इधर हाथों में सेवा करो और उधर मुंह में गोपी गीत गाए। महाप्रभु की चरण सेवा करते करते जब उन्होंने गोपी गीत को गाए, बोले जयती दधिका जय मना ब्रजा Thank you.
प्रसन्न हो गए। बोले क्यों प्रसन्न हो गए? कारण है महाप्रभु राधा जी के भाव में विलावित है, लेकिन अभी श्याम सुंदर हमें छोड़ करके बहुत दूर द्वारका चले गए। राधा रानी इसी विरह में ये भजन को कब गा रही थी राधा रानी? जब से श्याम सुंदर रास से अंतर ध्यान हो गए उसी समय में गा रही थी। और उसी समय जो विरह अवस्था में हमें प्राण देने वाले क्या है? बोले भगवान की कथा ही हमें प्राण प्रदान करती है, क्योंकि भगवान की कथा और भगवान में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है। कथा और भगवान वो एक ही वस्तु है। इसलिए तब कथा वृतम तप्त जीवनम, तब हम जो श्याम सुंदर का विरह में हम जो उत्तप्त है उसी समय तुम्हारी कथा ही ऐसे एक वस्तु है जो हमें प्राण प्रदान करता है। जब उन्होंने इतना बात को बोले महाप्रभु तो इतने प्रेम में गदगद हो गए। बोले भरीदा जना जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है? जो कृष्ण कथा को जो दान करते हैं। प्रसन्न होकर उन्होंने प्रसन्न होकर के महाप्रभु उनका आलिंगन के आशीर्वाद दिया। बोले किसका फल ये है? झाड़ू लगाने का। किसका फल है? जो व्यक्ति झाड़ू लगाएगा महाप्रभु कितने उसके ऊपर में प्रसन्न महाप्रभु होते हैं। इसलिए महाप्रभु ये झाड़ू लगाने का सेवा महाप्रभु मांग करके लिए, मांग करके ये झाड़ू लगाने का सेवा, मतलब अपना हृदय को सेवा साफ करने के लिए हमें ये मांग करके हमें सेवा लेनी चाहिए। और जब सो भक्त लोग जब ये मंदिर साफ करने के लिए आ रहे थे, महाप्रभु ने क्या किया? सबका चंदन लगाया, सभी को गला में माला पहनाया, अपना हाथों से महाप्रभु सबको उन्होंने चंदन लगाया और उन्होंने माला दिया। बोले क्यों महाप्रभु? क्यों? महाप्रभु शिक्षा देते हैं जो व्यक्ति अपना हृदय रूपी मंदिर को साफ करने के लिए जाएगा, हैं? मैं उसको गला में माला पहनाता हूँ, मैं उसको स्वागत करता हूँ। जो अपना हृदय में ठाकुर जी को जो बैठना चाहते हैं और हृदय के जो साफ करना चाहते हैं, मैं उनको स्वागत करता हूँ, उनको मैं सम्मान देता हूँ। इसलिए ये लीला में महाप्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी महाप्रभु ने शिक्षा दिया। केवल ऐसे नहीं थोड़ा पानी ले लिया और झाड़ू लगाकर चले गए, पानी लेकर झाड़ नहीं, ये नहीं है। हाँ ये तो होनी चाहिए, लेकिन मूल जो है अपना हृदय रूपी मंदिर को हमें साफ करनी चाहिए, गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए साफ करनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग महाराज विशेष करके हम लोग तो साफ करने के लिए आए हैं, लेकिन आज हमारे महाराज जी का दर्शन हो गया। भक्तिरंजन सागर महाराज, साधु महाराज, ये लोग बड़े पुराने वैष्णव है और बड़े दीनहीन वैष्णव है, और ये सारा जीवन ये दोनों ने गुरु जी की सेवा करते करते इन्होंने जीवन को उन्होंने बिताया। कभी कभी हमारे गुरुदेव जो महाराज है ना, कभी उनको मारे भी महाराज, कभी डंडे से पिटाई किया महाराज। इसलिए एक दिन ये महाराज जी बोल रहे थे, गुरुदेव ने मेरे को डंडे से पिटाई किया था ना, इसलिए आज सारा जीवन गुरु वैष्णव कृपा से जीवन बीत गया। मतलब है जब कोई गुरु वैष्णव हमें शासन करे दुखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम क्या होता है जो हमारा बड़ाई करे ना बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी हमारी शासन कर दिया हमारा मन खराब हो जाता है। अरे हम सब छोड़कर इसलिए मंदिर में आए? हमारे घर में किसी की कमी है, हैं? कि कमी है हम इसलिए आए? नहीं, महाराज जी खुद बोल रहे थे गुरु जी ने मेरे को डंडे से मारे तभी जीवन मेरा किसी तरह से ये जीवन भक्ति में बीता। महाराज जी और एक बात कहते थे, बोले साधु पूरे हवे छाई तबे तार गुरु गाई। महाराज प्राय करके बात महाराज जी बोलते थे, अब समझ रहे ना, साधु पूरे हवे छाई तबे तार गुण गाई। ध्यान देकर सुनो, जब तक संपूर्ण जीवन गुरु वैष्णव की सेवा करते करते जीवन नहीं बीत जाए तब तक साधु बनना बड़ा कठिन है। भक्ति मार्ग भक्ति सुदुर लभा, रूप गोस्वामी कहते भक्ति सुदुर लभा, साधारण भक्ति नहीं। ऐसे साधन करते करते जब संपूर्ण हमारे जीवन गुरु वैष्णव की सेवा में रगड़ करके जब तक ये शरीर छूट नहीं जाता है, नहीं समझनी चाहिए, तब तक तुम साधु हो, किसी अवस्था में भी तुम्हारी पतन हो सकता है। इसलिए जिंदगी भर हमें गुरु वैष्णव की सेवा करते करते अपने जीवन को बिता देनी चाहिए, ये महाराज जी की शिक्षा है। इसलिए आप लोग एक ही काम करना, मेरे जो गुरु जी कहते थे किसी तरह से एक जीवन को गुरु वैष्णव की सेवा करते करते किसी तरह से जीवन को बिता दो, तभी समझो हमारे जीवन धन्य हो गया है, ठीक है ना। इसलिए अभी देखो आज शाम को हम लोग को दर्शन करने के लिए जाएंगे, आज 4 बजे
हम तोटा गोपीनाथ सबसे पहले जाएंगे, फिर हरिदास ठाकुर का समाधि है, और उसी लाइन में बहुत सारी वैष्णव श्री, हाँ श्री हरिदास ठाकुर जी का भजन, छोटा हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर, भक्ति विनोद ठाकुर का, ब्रह्मानंद भारती, रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर और श्री जगदानंद पंडित, उसी लाइन में सारे महाप्रभु का परिकरों का भजन स्थली है। इसलिए आज शाम को हम सबके सब कितना बजे जाएंगे? 4 बजे। इसलिए आप लोग अपना अपना गाड़ी लेना, वहाँ गाड़ी मिलेगी, आप सबके सब पहुँच जाना कहाँ पर, तोटा गोपीनाथ में, हम वहीं पर सबके सब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो चलते चलते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है? सबके सब 4 बजे तोटा गोपीनाथ में सबके सब पहुँच जाना, हम वहीं पर जा करके हरी कथा वहीं पर करेंगे, उसके बाद में और आस पास का सारे हम दर्शन करेंगे, ठीक है? इसलिए अभी हम लोग जाएंगे श्री इंद्रदुम्न सरोवर में, महाप्रभु ये तोटा, ये गुंडिचा मंदिर मार्जन के बाद में महाप्रभु इसी सरोवर में जा करके महाप्रभु जल विहार करते थे, वहाँ का आचमन लेंगे, और बीच में श्री नरसिंह भगवान का मंदिर पड़ेगा, ये नरसिंह भगवान को दर्शन करते हुए ये सारे भक्ति की जितने बाधाएं हैं वो सारे बाधाओं को दूर करने वाले श्री नृसिंह थे, उनको दर्शन करते हुए हम श्री इंद्रदुम्न सरोवर में जाएंगे, फिर उसके बाद में अपना मंदिर को प्रस्थान करेंगे, ठीक है? कुलवांशा कलभुतुर्भ्यः कृपा सिंधु भयवशः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो सन्नम कितनी देर को चलते हैं।